परज के आरोह को और उसके स्वरूप को इस प्रकार से देखना चाहिए। इस भाग में ये राग सौनी के ज्यादा समय प्रतीत होता है। मद ने मदन ईसा स्वर संगति ललित में भी आती है। मद सा यदि गायें तो बसंत हो जाता है, मापा निशा गायें तो पूरिया धनाश्री हो जाता है। इस राग में नी पे न्यास करते हुए जाना चाहिए। सानी दप कालिंगड़ा में भी आता है, बसंत में भी आता है, पूरिया धनाश्री में भी आता है, श्री में भी आता है। इसमें ये दैवत कालिंगड़ा के समान लिया जा सकता है। मा प द प ये स्वर समूह भी ऊपर बताए गए रागों के अनुसार ही हैं। ग म ग मा ग गामा गा विहाग की तरह लेना चाहिए और मागा रेसा कालिंगड़ा की तरह। ये गामा गा मागा रेसा को कालिंगड़ा भी मान सकते हैं। मुख्य स्वर समूह है सा ने द प द गमा ग प से जब लिया जा रहा है तो वहां विहाग अंग प्रबल रहता है, लेकिन आरोह आत्मा की दी जब लेते हैं ने सा ग म ग म ग रे सा राग में आरोह में रे दुर्बल है, लेकिन इसका प्रयोग अनेक गायक करते देखे जाते हैं और उसको लांग कर भी रे को गाने का प्रचलन है। प म ग म ग इस तरह से तीव्र मध्यम को स्पष्ट लगाते हुए भी गाते हैं। प म ग म ग दोनों बार तीव्र मध्यम लगाने से बसंत राग प म ग म रे ग म रे ग लेने से पूरिया धनाश्री प म ग रे ग रे ग रे सा लेने से श्री राग बन जाता है। मदसा गाने से बसंत और मदनी सनी ऐसा गाने से परज मा पद प मा पनीसा ऐसा गाने से पूरे धनाश्री और श्री रे नि द प इन चारों रागों में रे नि ध पाएगा। मा प द प ये स्वर समूह भी समान रूप से आएगा, प के बाद बदलाव आएगा। प म ग म ग ये गामा ग शुद्ध मध्यम के प्रयोग से परज हो गया।
दोनों बार तीव्र मध्यम लगने से बसंत हो गया। पे पूरी धनाश्री हुआ और पे ऐसा गाने से श्री हुआ। ये राग उत्तरांग प्रधान है, इसलिए राग का उठाव भी तीव्र मध्यम से मदने सने सर सने सर सने सने धने दप द प म ग म ग। इस प्रकार से ये पूर्वी अंग की गोरी के भी समान दिखाई देता है। राग का विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बांकड़ लोग मारू जी दारूनी पीवे ही आवे छे डगमग चाल माने भावे मारी ए। एक ताल में निबद्ध है। बाकड़ लो मारू जी दरुड़ी पे सारे सारे
बसंत से बचाने के लिए नी पर न्यास करना चाहिए। सने सरने दने मदने सने पद प्रकार से लिया जा सकता है।
Bye.
Sarada, 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 Sarada